किसी कारणवश कोई उपाय नहीं कर सके, कोई भी कार्य नहीं कर सके। देखिए कई कारण होते हैं, हमें वह चीज़ नहीं मिल पाती, हमें जो है उस स्थान पर जाने का मौका नहीं मिल पाता, या कोई भी कारण हो सकता है। किसी भी कारण से आप कोई भी कार्य नहीं किया कर सकते। जैसे कि पुष्य नक्षत्र सिद्ध माना जाता है हर एक कार्य की सफलता के लिए, और साथ ही आज नवमी तिथि भी है, कार्तिक महीना है, तो आप कुछ भी ना कर सके तो एक दीपक जो है आंवले वृक्ष के नीचे न जाते हुए आप नहीं जा सकते किसी कारणवश। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने बता रखा है, ये आप सभी ने कथा उनकी श्रवण करते हैं, कभी ना कभी की होगी। गुरुदेव कहते हैं आप उस स्थान पर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु उस स्थान का भाव करते हुए अपने घर के मंदिर में तो दीपक लगा सकते हैं। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं इस कार्तिक माह में आंवले वृक्ष की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्री हरि विष्णु का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में गुरुदेव कहते हैं एक चौमुखा दीपक आप सभी को आंवले वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। घी का दीपक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। परंतु होता क्या है, आंवले का पेड़ हमारे घर के आसपास नहीं होता, किसी कारण हम जा नहीं पाते, समय का अभाव होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस चीज़ का भाव करते हुए मन में स्मरण करना है कि हम आंवले के वृक्ष के नीचे यह दीपक लगा रहे हैं, और साथ ही यह भाव करना है कि हम आंवले वृक्ष के नीचे अपने मन की कामना करते हुए जो है यह दीपक समर्पित कर रहे हैं। और उस दीपक को या तो आप शिव मंदिर में लगा दीजिए उस चौमुखा आटे के दीपक को, या उस चौमुखा आटे के दीपक को आप अपने घर के मंदिर में लगा दीजिए या घर के मुख्य द्वार पर, परंतु आपको भाव करना है आंवले वृक्ष के नीचे मैं दीपक लगा रही हूँ। गुरुदेव स्वयं कहते हैं आपने बड़े बड़े पंडितों से, ज्योतिषाचार्यों से यह बात सुनी होगी, जो वस्तु हमें मिल नहीं पाती हम उस चीज़ को उस स्थान पर रख देते हैं। होता क्या है, कई बार पूजा पाठ बड़े कर्मकांड करते हैं, वह चीज़ हमें उपलब्ध नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस चीज़ का भाव करते हुए हम वह चीज़ दूसरी चीज़ वहाँ पर समर्पित कर देते हैं, उससे भी पूजा पाठ मान्य होती है और व्रत का पूरा फल मिलता है। तो यह उपाय करके देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। चौमुखा दीपक लेना है, आंवले वृक्ष के नीचे अगर जा सके तो वहाँ पर लगा दीजिए, नहीं तो आज पुष्य नक्षत्र में अपने घर के ही मंदिर में चौमुखा दीपक आंवले वृक्ष के नीचे मैं लगा रही हूँ करके आप लगा दीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। रात्रि तक यह कार्य कर लेना, देखना आपको फल जरूर मिलेगा। हर हर महादेव। जय माता दी।